नमस्कार। अभी तक के वीडियो में हमने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के व्यापार के बारे में चर्चा की। आज हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1603 ईस्वी में फ्रांसीसी शासक हेनरी फोर्थ के आदेश पर की गई थी। लेकिन ये जो पहली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, यह बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं कर पाई और भारत में यह एक भी फैक्ट्री नहीं खोल पाई। इस वजह से 1642 ईस्वी में दूसरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और इसी दूसरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ सालों के बाद 1664 ईस्वी में एक नया रूप दिया गया और एक नई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जो बनी थी जिन बैप्टिस्ट कोलबर्ट के प्रयासों से। जिन बैप्टिस्ट कोलबर्ट उस समय पर फ्रांस के वाणिज्य मंत्री थे। उस समय पर फ्रांस के शासक थे लुई फोर्टींथ। तो लुई फोर्टींथ के आदेश पर जिन बैप्टिस्ट कोलबर्ट की नीतियों के तहत इस नई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इस नई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया जाता है और इसके व्यापार का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो सर्कुलर एरिया अलग से आपको दिख रहा है, जिसमें आपका केप ऑफ गुड होप से लेकर के ईस्ट इंडीज का पूरा पोर्शन और वो पोर्शन यहाँ पर साउथ अमेरिका में स्ट्रेट ऑफ मैगलन तक कवर हो रहा है। तो इतने वाइडर एरिया पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया था 50 वर्षों के लिए। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पहुंचती है तो इस कंपनी का एक्चुअल नाम होता है, 1664 ईस्वी में ये जो कंपनी बन रही है इसका एक्चुअल नाम होता है कंपनी द इंड ओरिएंटल। इसका नाम है कंपनी द इंड ओरिएंटल। और ये कंपनी जब भारत पहुंचती है तो इसके द्वारा फैक्ट्रियां स्थापित की जाती हैं, जिसमें सबसे पहली फैक्ट्री जो है वो 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई है। 1668 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है आपके सूरत में। फर्स्ट फैक्ट्री है ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसे हम कंपनी द इंड ओरिएंटल के नाम से भी जानते हैं। और इसकी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1669 ईस्वी में की जाती है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में ये जो फैक्ट्री स्थापित हो रही है वो गोलकुंडा में स्थित एक बंदरगाह है और इस वजह से व्यापार के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मैप आप देख पा रहे हैं, इस मैप में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ग्रीन कलर का जो एरिया है, डार्क ग्रीन कलर का, वो मुगल साम्राज्य को इंगित कर रहा है। लाइट ग्रीन कलर का जो एरिया है वो दक्कन की सल्तनतों यानी कि बीजापुर, गोलकुंडा जैसे एरियाज को ये सिंबलाइज कर रहा है। सेफ्रॉन कलर का या केसरी कलर का जो एरिया है वो छोटे छोटे हिंदू धर्मावलंबी राज्यों को इंगित कर रहा है। और सूरत और मछलीपट्टनम जो है वो फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापित की गई फैक्ट्रियां हैं। इसके अलावा फ्रांसीसियों की जो अन्य फैक्ट्रियां हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है चंद्रनगर की फैक्ट्री। चंद्रनगर जो कि स्थित है आपके, चंद्रनगर स्थित है कहाँ पर, बंगाल में स्थित है चंद्रनगर। वहाँ पर चंद्रनगर में फैक्ट्री स्थापित की जाती है 1673-74 में। बंगाल के सूबेदार जब शाइस्ता खां होते हैं तो उनके द्वारा फ्रांसीसियों को एक जगह दी जाती है और यहाँ पर 1690 में एक फैक्ट्री बनाई जाती है जिसे चंद्रनगर की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसका नाम रखा जाता है फोर्ट ऑर्लियंस। फोर्ट ऑर्लियंस चंद्रनगर की फैक्ट्री का नाम रखा जाता है। इसके बाद फ्रांसीसियों के द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित की जाती है 1721 ईस्वी में, ये मॉरिशस में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं। मॉरिशस जो कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके बाद इनके द्वारा फैक्ट्री स्थापित की जाती है 1725 ईस्वी में माही के मलाबार समुद्र तट पर स्थित माही नामक बंदरगाह पर इनके द्वारा फैक्ट्री स्थापित की जाती है, जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शो हो रहा है। उसके बाद 1739 में इनके द्वारा करिकल में फैक्ट्री स्थापित की जाती है जो कि मद्रास के बहुत नज़दीक होता है। और पांडिचेरी जो कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्री होती है उसकी स्थापना की जाती है इनके द्वारा 1673 में। 1673 में
पांडिचेरी की फैक्ट्री स्थापित तो हो जाती है, लेकिन ये फ्रांसीसी युग की राजधानी बनती है 1701 ईस्वी के आसपास। और उसके बाद फ्रांसीसी भारत में जितने समय तक के लिए रहते हैं तब तक उनकी राजधानी या उनका मेन सेंट्रल पॉइंट जो है वो पांडिचेरी रहता है। पांडिचेरी को सेंट्रल एरिया बनाने के बाद या राजधानी बनाने के बाद, क्योंकि यहीं से सारी फ्रांसीसी बस्तियों का एक तरीके से ये हेडक्वार्टर था, यहीं से सारी बस्तियों को ऑपरेट किया जाता था, उनका संचालन किया जाता था, तो 1701 ईस्वी में यहाँ पर फ्रेंको मार्टिन नाम के व्यक्ति को महानिदेशक बनाया जाता है फ्रांसीसी बस्तियों का। तो इस तरीके से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कंपनी द इंड ओरिएंटल, वो भारत में अपना प्रसार करती है, अपने पांव फैलाती है। ये जो कंपनी होती है वो मेन व्यापार जो करती है वो करती है कॉफ़ी, कपास के कपड़ों का, रेशम का, चाय का, और इसके अलावा गरम मसाले हैं, पोर्सिलिन के बर्तन हैं, चांदी हैं, टीन हैं, ये इस कंपनी के व्यापार की महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना कैसे होती है, यह भारत कैसे पहुंचती है, इसके द्वारा कहां कहां पर फैक्ट्रियां स्थापित की जाती है और किन चीज़ों का व्यापार किया जाता है। फ्रांसीसियों को बाद में जिस कंपटीशन का या प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और उस वजह से अंग्रेजों के साथ इनके जो होने वाले युद्ध हैं जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।